ये डॉक्ट्राइन देखिए, दो डॉक्ट्राइन हमारे पास है, एक डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइज है और एक डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडी काटा है। क्लियर है? अब होता क्या है, अब आपको इन जनरल तो पता है ना, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, प्लेन, रिटेन स्टेटमेंट, ये सब चीजें पता है आपको। हाँ, इससे फेमिलियर हो आप सब, इससे फेमिलियर हो, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, दो पार्टीज हैं, ठीक है, दो पार्टीज हैं, आपस में कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, कोई भी डिस्प्यूट आप मान लो, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट हो सकते हैं, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, ठीक है, पार्टी मतलब पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ऑल, आपको सब पता है सब चीजें, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हम लोगों ने कि कहां केस फाइल करेंगे, सब तो पता ही है ना, ठीक है। मैं मानता हूं कोई भी डिस्प्यूट हुआ है बिटवीन द पार्टी वन एंड द पार्टी टू, दो पार्टीज हैं। अब जिसके साथ दिक्कत हुई है, जिसको मतलब जो इंजर्ड पार्टी है, जिसको नुकसान हुआ है, वो क्या करेगा, वो जाएगा कोर्ट में, ठीक है। तो मैं बोलता हूं द पार्टी वन एक है, उसने क्या किया, पार्टी टू के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया है, कहां पे, कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया है। केस फाइल करना मतलब प्लेंट फाइल कर दिया है, ठीक है, द प्लेंटिव हैज फाइल्ड द प्लेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, समझ आता है। अब क्या हो रहा है, वो केस चल रहा है, तारीख पे तारीख आती जा रही है, ठीक है, मतलब द केस इज गोइंग ऑन, द केस इज गोइंग ऑन, और वी कैन से इन अनदर वर्ड्स द केस इज स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट, कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, मैटर कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। अब केस चल रहा है, केस चलते चलते दौरान, इसी के दौरान क्या होता है, जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, जो दूसरी पार्टी है, केस चलते चलते क्या करती है, ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, ऑन द सेम इशू, वो क्या करती है, वो फर्स्ट पार्टी अगेंस्ट केस फाइल कर देती है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, केस अभी तक चल रहा है, केस इज स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट, ठीक है। क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी है, पहली पार्टी के अगेंस्ट क्या कर रही है, एक फ्रेश सूट फाइल कर दे रही है कोर्ट के अंदर, समझ आता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं हो वही कोर्ट हो, क्योंकि आपको पता है कि और भी कोर्ट हो सकते हैं जिनके पास ज्यूरिडिक्शन होती है, हो सकता है ऐसा, क्या पता उसी कोर्ट में ना करे, कोई दूसरे कोर्ट में भी तो कर सकता है जो एक कॉम्पिटेंट हो केस लेने के लिए, हो सकता है ऐसा कि भाई एक मैटर में हम दो कोर्ट में भी जा सकते हैं, ये पता है आप लोगों को, पता है कि नहीं पता है, पता है ना। तो उसने क्या किया, या तो सेम कोर्ट में, या तो सेम कोर्ट में, या तो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर वो क्या कर रहा है, केस फाइल कर रहा है अगेंस्ट दी फर्स्ट पार्टी, समझ आता है, इस केस समझ आ रहा, हो क्या रहा है। हाँ, तो इस केस में क्या होता है, जो कोर्ट है, इस केस में क्या होता है, जहां पे ये जो सेकंड सूट, जो सेकंड दूसरा पार्टी ने फाइल किया है, उस केस में क्या होता है, जिस कोर्ट में ये केस फाइल करा है बाय दी सेकंड पार्टी, वो कोर्ट क्या करती है, आपका केस तो एक्सेप्ट करेगी, बट द कोर्ट विल नॉट प्रोसीड विद द केस, समझ आ रहा है, कोर्ट विल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट योर प्लेंट, एक्सेप्ट करेगी, बट द कोर्ट विल नॉट प्रोसीड विद द, यही है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइज, यही है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइज। क्या डॉक्ट्राइन बोलता है, व्हेन द मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट, व्हेन द मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट, और उसी जब पेंडिंग के दौरान, केस चलते चलते दौरान, कोई दूसरी पार्टी अगर सेम सब्जेक्ट मैटर पे अगर केस फाइल करती है, समझ आ रहा है, केस फाइल करती है, देन इन दैट केस दैट सूट विल बी क्या हो जाएगा, स्टेड, उस पर क्या लगा दिया जाएगा, एक स्टे लगा दिया जाएगा, समझ आता है। तो मैं बोलता हूं सिंपल से बोलता हूं, सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर, एसेंशियल कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है, केस फाइल्ड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर बाय द सेम पार्टीज टू द डिस्प्यूट, पार्टीज तो दोनों सेम ही रहेंगी, बाय द सेम पार्टीज टू द डिस्प्यूट एंड अंडर द सेम टाइटल, एंड अंडर द सेम टाइटल, और कहां पे, कहां पे, इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट, इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर ऐसा होता है तो सर जो सेकंड सूट फाइल किया है उस पे लगा देता है कोर्ट स्टे लगा देता है कि भाई जब तक जो पहला केस फाइल हुआ है, जब तक वो एडजुडिकेट नहीं हो जाता, वो डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक आपके ऊपर क्या लगा रहेगा, स्टे लगा रहेगा, तब तक आपका मैटर प्रोसीड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे कारण है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मैटर क्या है, सेम, पार्टीज कौन है, सेम, टाइटल क्या है पार्टी का, सेम, कोर्ट कैसा है, कॉम्पिटेंट, मतलब क्या होगा आपका सूट को प्रोसीड करने का,
समझ आ रहा है? तो क्या लगा देंगे इसके, ये बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइज, ये इतना बोलता है, सिंपल सा, ठीक है। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ, उसने सूट फाइल किया सेकंड पार्टी ने, क्या कर दिया उसने, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, एक्सेप्ट किया मगर प्रोसीड उसके साथ नहीं किया। अब चलते चलते क्या हुआ, जो पहली पार्टी ने केस फाइल किया था ना, वो हो गया डिसाइड, हो सकता है वो हो गया डिसाइड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब तो डिसाइड हो गया ना, अब क्या करना चाहिए, अब जो दूसरा केस आया अब उसको सर क्या करो, उसको प्रोसीड करो, अब उसके साथ प्रोसीड करें, क्या प्रोसीड होना चाहिए उसके साथ, क्या जो दूसरा केस फाइल हुआ है, जब पहला केस एडजुडिकेट हो गया डिसाइड हो गया, तो सर जो दूसरा आया था केस, सेम पार्टी ने फाइल किया था, सेम सब्जेक्ट मैटर पे किया था, सेम टाइटल के अंदर किया था, सेम कोर्ट में भी हो सकता है कोर्ट किया था, क्या उसको अब एडजुडिकेट करना चाहिए, बताओ भाई करना चाहिए, करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, बताओ, हायर में करो, वो तो अपील हो गई, अपील की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपील तो आपका हक है, वो तो आप कर ही सकते हो, इसका बताओ, ये तो केस फाइल हो रहा है, इसका बताओ, क्या इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट करी जाए, बताओ, हाँ हाँ, जब मैटर डिसाइड हो गया है, हाँ मैटर डिसाइड हो गया है और दूसरी पार्टी जो केस फाइल करा है, भाई तुमने भी सेम सब्जेक्ट पे करा हुआ है, पार्टी भी सेम है, सेम टाइटल के अंदर भी करा हुआ है, तो एक बात बताओ, जो डिसीजन आए वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, डिसीजन तो वही रहेगा, डिसीजन तो वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा की मतलब कि एक बार जब वंस द मैटर हैज बीन डिसाइडेड, वंस द मैटर हैज बीन एडजस्ट, एक बार हो चुका है, तो भाई उसी टॉपिक को, उसी सेम सब्जेक्ट को हम दोबारा क्यों डिसाइड करें, क्योंकि डिसीजन थोड़ी चेंज हो जाएगा, डिसीजन तो वही रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ आ रहा है? ये है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। डिफरेंस देखो दोनों में क्या है, डिफरेंस दोनों में है, बहुत अच्छा डिफरेंस है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइज तब लगता है व्हेन द मैटर इज पेंडिंग, जब मैटर अभी क्या है कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक कोई डिसीजन एंड ऑल कुछ नहीं आता, उसमें लगता है स्टे, रोक दिया जाता है, ठीक है, दूसरे को। और यहां डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा में क्या होता है, द मैटर इज डिसाइडेड, द मैटर इज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो जो दूसरा केस आ रहा है वो कैसा है, एकदम सेम है, एकदम क्या है, सेम। तो भाई अगर इसको ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, देखो दो चीज, दो कारण है मेन जिसकी वजह से ये डॉक्ट्राइन यूज होता है, पहला कि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि सेम सब्जेक्ट मैटर को सेम पार्टीज के बीच में बार बार डिसाइड करे, पहला। और दूसरा, अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, अब आप सोचो ऐसा हो सकता है, देखो वो मैटर है प्रॉपर्टी का, ठीक है, अब प्रॉपर्टी किसी बॉर्डर एरिया पे है, हाँ, और दो कोर्ट के अंदर आ रही है, तो एक मैटर इस कोर्ट में जा सकता है, इस कोर्ट में जा सकता है, क्लियर है। अब हुआ क्या, पार्टी वन ने एक कोर्ट में डाला हुआ है, वहां केस चल रहा है, ठीक है, मगर दूसरे जो कोर्ट है वो भी कॉम्पिटेंट है, उसके यहां भी केस तो जा सकता है। अब मैं बोलता हूं दूसरी पार्टी ने वहां केस डाल दिया, हो सकता है, हो सकता है, एक इधर एक इधर, अब एक का जजमेंट आया एक पार्टी के फेवर में, अब वहां का जजमेंट आ गया दूसरी पार्टी के फेवर में, बेटा ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन कि नहीं, तो इसी को हटाने के लिए ये लाया गया, समझ आ रहा है कि भाई अगर सेम पार्टीज हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर भी है, सेम टाइटल भी है, तो उस केस में जो दूसरा केस आएगा उसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्टे लगाएंगे, और फिर जब डिसाइड हो जाएगा मैटर तो वही डिसीजन उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, समझ आ रहा है? यही है दोनों डॉक्ट्राइन, इसके अलावा कुछ नहीं डॉक्ट्राइन, यही है दोनों डॉक्ट्राइन। एक बात करेगा कहां तक, पेंडिंग तक, वहां पे स्टे तक का, एक बात करेगा स्टे तक, और दूसरा बात करेगा जब मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है तो वही सेम जजमेंट, वही सेम डिक्री उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगी, उसको फिर से नहीं उसकी सुनवाई होगी, समझ आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है।